अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी वैक्सीनेशन जो है जी वो करवा ली होगी। मैंने कल मोडर्ना जो फर्स्ट जैब है इसकी वो मैंने कल लगवा ली है। तो फाइज़र, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ जो फाइज़र के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं कि वो इतनी रेडली अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एस्ट्राजेनेका और अब जो है वो मोडर्ना की फर्स्ट डोज जो है वो मिलना शुरू हो गई है। तो रीज़न बीइंग के इसमें अब कुछ हिकअप्स आ रही हैं। फर्स्ट डोज अवेलेबल है, अभी मोडर्ना की सेकंड डोज जो है वो इसलिए वो अब फिर गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो सेकंड डोज भी उन्होंने जो है जी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन्हें। लेकिन जो फाइज़र है और जो एस्ट्राजेनेका है, अब एस्ट्राजेनेका मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है। वो उसकी जो सेकंड डोज है सिर्फ वो चल रही है, फर्स्ट डोज नहीं मिल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप मोडर्ना को ऑप्ट कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है। तो आप लोग जो है वो जितना जल्दी हो सके आप मोडर्ना को ऑप्ट कर लें। पाकिस्तान के अलावा भी बाकी जितने ममालिक में जो दोस्त हैं वो भी मोडर्ना जो है वो उसको वो जो है ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वैक्सीनेशन के हवाले से एक अपडेट था। बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से, बॉर्डर ओपनिंग में कंटास एयरलाइंस जो है जी उनकी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अभी आज सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया जी कि मिड दिसंबर से उन्होंने अपनी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनकी रिवाइवल का उन्होंने जिक्र किया है। मिड दिसंबर 2021 से लो रिस्क कंट्रीज के लिए जी वो अपना ट्रैवल जो है जी वो ओपन करने जा रहे हैं। एलन जॉयस ने जिन ममालिक का जिक्र किया है जो लो रिस्क कंट्रीज में है, आपको टास एयरलाइंस जहाँ से अपने ऑपरेशन रिज्यूम करने जा रही है, तो उसमें ट्रैवल बबल चल रहा है जी न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि वो अभी सस्पेंडेड रहा जैसे ही वो डेल्टा वेरिएंट आया था। तो न्यूजीलैंड ने अपना जो ये ट्रांसपॉन्डर ट्रैवल बबल था उसको सस्पेंड कर दिया था, तो वो भी दोबारा से रिवाइव होगा। फिजी, कनाडा, यूके, यूएसए और इसी तरह से जापान और सिंगापुर, ये कंट्रीज़ अभी के लिए उनके दिसंबर के प्लान में अभी शामिल हैं जी। अब नेक्स्ट उसमें उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन रेट्स जो हैं जी वो लोअर हैं वहाँ से अभी वो जो है इस फ्लाइट ऑपरेशन वो स्टार्टअप नहीं करेंगे, वो इसको अप्रैल तक जो है जो वो लेके जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताया जी कि बाली, जकार्ता, मनेला, बैंकॉक, फोकट, होचीमैन सिटी है और जोहानसबर्ग, ये वो शहर हैं जी वो सिटीज़ हैं जहाँ से वो अभी तो नहीं लेकिन अप्रैल में वो इसको जो है जो वो कंसिडर करेंगे कि वो यहाँ से भी अपना फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से वो जो है वो रिज्यूम करें। तो अब ये सिचुएशन है, इसमें अब चूंकि जैसे जैसे जो है वैक्सीनेशन रेट्स जो हैं वो इन्हांस कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन का इस वक्त एक वो पूरा फेज़ जो चल रहा है, तो अब इसमें होप है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्टअप होंगी। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जब सिंगापुर के साथ ये अपना ट्रैवल ऑपरेशन जो है ये रिज्यूम होता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिंगापुर से ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो उनको अलाउ करते हैं, तो क्या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इन कंट्रीज से यदि साउथ एशियन कंट्रीज से भी हम वाया सिंगापुर जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं? तो अभी के लिए ये जो है वो, क्योंकि अभी सिंगापुर ने वैक्सीनेटेड लेन जो है जर्मनी और ब्रुनाई दारुलस्लाम के साथ उन्होंने उसको मटेरियलाइज किया है, तो वैक्सीनेटेड लेन उन्होंने यूज़ किया है। इसी तरह से उन्होंने एक अपना पूरा प्लान फेज आउट कर लिया है, लेकिन लेकिन इसमें अभी जो है जी वो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, दीज कंट्रीज आर नॉट अलाउड, इस प्लान के अंदर भी वो अभी शामिल नहीं है। तो लास्टली अगर मैं इसमें बात करूं तो आज इनकी ऑस्ट्रेलिया नेशनल कैबिनेट मीटिंग भी है। क्वींसलैंड और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जी उन्होंने अभी तक जो है वो ये 70% और 80% का जो प्लान है उस पर फुली एग्री नहीं किया है। विक्टोरिया, NSW और बाकी जो नॉर्दर्न टेरिटरी है जी या बाकी जो स्टेट्स हैं टस्मानिया वगैरह, उन्होंने इस प्लान पे कुछ एग्रीमेंट अपना शो कर दिया है 70%। और जैसे मैंने जिक्र किया कैंटास ने भी 80% पे, यानी दिसंबर में, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर जो है इसमें उन्होंने अपना प्लान जो है जो वो दिया है। तो अब इसमें इसके साथ साथ जो ये ऑस्ट्रेलिया नेशनल कैबिनेट मीटिंग है जी, इसमें उन्होंने 12 से बल्कि ये मीडिया रिलीज उन्होंने ऑलरेडी जो है एक्सपर्ट ओपिनियन वो मीडिया रिलीज उसका दे दिया हुआ है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और ये तमाम लिंक्स मौजूद है मेरी वीडियो के अंदर, आप इसको इसकी डिस्क्रिप्शन मुकम्मल वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। तो 12 से 15 साल के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जी उनके लिए भी जो इनके
जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के हवाले से वो डील करता है, तो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने 12 से 15 साल के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके लिए भी फाइजर को अलाउ कर दिया है कि वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी फर्स्ट जैब जो है जी वो वहाँ से वो ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ स्कॉट मॉरिसन ऑल्सो सेड कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है जी उसके लिए भी 12 से 18 साल तक की जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी कंप्लीट होने के करीब है, और ऑलरेडी उन्होंने 25 मिलियन डोजेज जो हैं वो मॉडर्ना वैक्सीन की वो उन्होंने ऑर्डर कर रखी हैं कि आप वैक्सीनेशन अपनी करवा लें जितना जल्दी हो सकता है। रीज़न बीइंग के कुछ हिकअप्स इसमें आ सकती हैं इन माय व्यू पॉइंट, और आई विल कम अप विद सम मोर अपडेट्स विद सम मोर न्यूज़ इन दिस रिगार्ड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।